हेलो एवरीवन, अभी जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये है दोस्तों गूगल का पिन। तो गाइस ये गूगल का पिन आता है तब जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है। उसके बाद आपको इस गूगल के पिन को अप्लाई करना होता है, उसके बाद ये आपके एड्रेस पर जो है आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये गूगल का पिन को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि ये पिन आपका एड्रेस में आने की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। प्लस इसका लाइव डेमो दिखाऊँगा इसको खोल करके कि 6 डिजिट का पिन इसमें कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी देख सकते हैं ये सील है, मैंने खोला नहीं है। प्लस इसको वेरीफाई करके मैं दिखाऊँगा लाइव अपने लैपटॉप पर जा करके। और ये है दोस्तों मेरे थर्ड चैनल का गूगल का पिन जो कि आज ही रिसीव हुआ है। सुबह सुबह मेरा एक थर्ड चैनल है जिसका नाम है एक्टर मनोज द एक्टिंग चैनल, उसके जो है $10 हो गया था। तो ये मुझे 12 दिन के अंदर में ये गूगल का पिन मेरे घर पर आज जो है फाइनली आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बहुत कुछ इसके बारे में नॉलेज दूंगा आप लोगों को कि किन किन बातों का चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एड्रेस फिल करना चाहिए और कैसे इसको जो है वेरीफाई करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है प्लस नॉलेजेबल है, तो देखते रहो वीडियो को एंड तक और चैनल पर यार सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, क्योंकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अभी चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि इसमें एड्रेस जब आपको फिल करना होता है, पहले मैं बता दूं जब आपके गूगल एडसेंस में $10 हो जाता है, $10 होने के बाद आपको जो है अपने एडसेंस अकाउंट में जाना होता है। वहाँ पर आपका एक एक्शन बटन आता है ऊपर में वेरीफाई करने के लिए। वहाँ पर सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आई डी हो सकता है। तो ये सब देख करके जब आप वेरीफाई कर लेते हो उसके बाद आपको पिन अप्लाई करने का आता है। तो पिन अप्लाई करने के टाइम दोस्तों आपको जो है एड्रेस देना होता है। तो वहाँ पर जब आप एड्रेस को फिल करोगे तो एड्रेस लाइन पर आपको कैसे फिल करना है वो मैं पहले आपको दिखाता हूं। मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपने एड्रेस को कैसे फिल करके रखा। तो चलिए मैं दिखाता हूं बैक के कैमरे से। सो गाइज मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने अपना एड्रेस को थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे कलर कर दिया है पेन से, क्योंकि मेरा लीक ना हो जाए, ठीक है एड्रेस। तो उस पर मत नोटिस कीजिए, मैं अभी जो बता रहा हूँ वो देखिए। तो दोस्तों जब आपके एडसेंस अकाउंट में जब आपको वहाँ पर पिन अप्लाई करने के लिए एड्रेस फिल करना होता है तो एड्रेस लाइन 1 लिखा हुआ रहता, फिर रहता है एड्रेस लाइन 2। तो एड्रेस लाइन 1 और 2 को मिला करके आप अपने एड्रेस को लिखना, जिसमें कि अपना सबसे पहले अपना नाम, ठीक है ये है मेरे अंकल का नाम, मैंने अंकल के नाम से ये थर्ड गूगल एडसेंस अकाउंट बनवाया। उसके बाद आपका जो है पूरा फुल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो, जैसे मेरा है विलेज, पोस्ट, डिस्ट, स्टेट, ठीक है, और कंट्री, उसके बाद पिन कोड, ये सब देना होता है। तो फ्रेंड्स वहां पे क्या करना है कि आपको एड्रेस लाइन पे ही एक चीज हमेशा याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया कि कॉन्टैक्ट नंबर भी जो आपको एड्रेस लाइन पे ही लिख देना है, ताकि देखिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है जब आपका ये लिफाफा मेरे घर आया तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी एड्रेस के साथ यहां पर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर प्लस यहां पर नंबर भी लिखा हुआ, ताकि क्या होगा कि अगर आपका एड्रेस कुछ ऐसे जगह में है जहां पर आपका जो है पोस्टमैन को आपका एड्रेस मिल नहीं रहा तब आपको वो कॉन्टैक्ट भी यहां से कर सकता है। अब मैं बताना चाहूँगा जब आप अप्लाई करोगे एड्रेस लिखोगे उस टाइम आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर देने का नीचे में भी ऑप्शन आएगा और एड्रेस लाइन पे भी देने के लिए आएगा। तो नीचे तो आपको देना ही है लेकिन एड्रेस लाइन पे भी आपको एड्रेस के साथ ही कंट्री इंडिया भरने के बाद आपको साइड में कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके दे देना है, ताकि जब भी आपका लिफाफा प्रिंट होगा वहाँ पर तो यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके घर में ये आने में ये पिन प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स ये था सबसे पहली बात जो कि मैंने बताया कि आपको एड्रेस लाइन पे ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है, ताकि जब भी आपका पोस्टमैन जो है आपको अगर घर नहीं मिल रहा होगा तो आपको कॉन्टैक्ट करके भी बुला लेगा कि आपके नाम पे एक गूगल का पिन आया हुआ है एडसेंस से, तो आप यहाँ पर आकर के रिसीव कर लो। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब चलिए इसको मैं अभी फाड़ता हूँ, ठीक है, इसके सील को खोलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि इसमें 6 डिजिट का नंबर कैसे निकलता है। सो गाइस चलिए इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है, तो इस तरह का ये सील रहता है। तो इसको मैंने खोला और यहाँ से इस तरह से फिर एक सील है, इसको भी खोलते हैं। चारों तरफ से इसमें एक सील लगा हुआ रहता है जिसको आपको खोलना पड़ता है, ठीक है, इस तरफ खोला और ये देखिए इसके अंदर से पिन कैसा रहता है। तो ये मैंने खोल दिया, ये देखिए, तो ये है गाइस वो पिन जो कि आप देख रहे हो 6 डिजिट का, ये वाला जो है पिन आपको अपने एडसेंस अकाउंट में फिल करना होता है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा अभी पूरा लाइव डेमो के साथ। यहाँ पर देखिए सारा स्टेप भी लिखा हुआ है, अगर आप रीड कर पाओगे। यहाँ देखिए स्टेप 1 क्या क्या करना है। देखिए स्टेप 1 में आपको जाना है एडसेंस अकाउंट पे, ठीक है, वहाँ पर आपको एक्शन बटन दिखेगा। उसके बाद स्टेप 2 में जो है क्लिक द गियर आइकन, सेटिंग वाला आइकन, सेलेक्ट पेमेंट्स में जाना है। अगर आपका एक्शन बटन नहीं दिखेगा, नहीं मिल रहा है, तो आपको आइकन में सेटिंग वाला सेटिंग में जाना है, देन पेमेंट्स के ऊपर में जाना है। स्टेप 3 में आपको जो है लेफ्ट नेविगेशन बार क्लिक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, देन क्लिक वेरीफाई एड्रेस, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, देन आपको जाना है क्लिक वेरीफाई एड्रेस। स्टेप 4 में इंटर योर पिन और आपको यहां से सेट कर देना है क्लिक सबमिट पिन। तो सबमिट कर देने से ही आपका जो है ये पिन वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, उसके बाद आपको दिखाता हूं लाइव इसको जो है पिन को एड्रेस देने के बाद क्या होता है। सो गाइज अभी आप देख सकते हो मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप के पास और इसको करता हूं लैपटॉप को ऑन, ठीक है। ये वीडियो मैं थोड़ा ब्लॉग टाइप में बना रहा हूँ, कुछ अलग, हमेशा एक ही टाइप का वीडियो क्या बनाना।
तो गाइज ये देखिए मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है, अभी मैं अपने जाऊंगा गूगल एडसेंस अकाउंट पे, देन आपको दिखाऊंगा इसको वेरीफाई करके कि कैसे वेरीफाई किया जाता है इस पिन को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहो, चलिए इसको ऑन करते हैं लैपटॉप को, उसके बाद आपको सारा डिटेल दिखाते हैं। सो गाइज अभी आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे, यहाँ पे मेरा $41 हो गया है नया वाला चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी मैं होम पे आता हूँ गूगल एडसेंस के होम पे, वहीं पे सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली से आपको वेरीफाई के ऊपर में क्लिक करना है। तो चलिए इसको मैं क्लिक करता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो मैं यहाँ गया वेरीफाई के ऊपर में और ये मैंने किया क्लिक। आप देखिए यहाँ पे योर पिन यहाँ पे मांगा जा रहा है, यू विल फाइंड द 6-digit पिन इन द लेटर वी सेंट यू। तो मेरे पास जो लेटर आया उसमें 6-digit का नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो 6-digit का नंबर है वो है 036261। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 036261, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया 036261। इसको देखिए 3 बार अगर आप गलत कर दोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है, 3 बार मैक्सिमम आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका मतलब रॉन्ग देना नहीं है, ध्यान से फिल करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे करना है सबमिट के ऊपर में क्लिक, ठीक है। तो ये मैंने किया सबमिट, तो जैसे ही मैंने सबमिट किया ये देखिए योर बिलिंग एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, हो गया सारा कंप्लीट प्रोसेस। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ से देखिए आपका सारा हो गया है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गया है, पिन वेरीफाई भी कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ से जाना है पेमेंट्स के ऊपर में, ये देख रहे हो जो आपको साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है पेमेंट्स, पेमेंट्स के ऊपर में जाइए, देन ये जो है आप ये काम पिन वेरीफाई करने से पहले भी कर सकते हो या फिर बाद में भी, जैसे मैंने अभी किया नहीं। तो यहाँ देखिए हाउ यू गेट पेड का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको एड पेमेंट मेथड पर जाना है और यहाँ पर देना पड़ता है आपका बैंक डिटेल्स, ठीक है, जिस भी बैंक में आपको चाहिए आपका पेमेंट वो बैंक डिटेल यहाँ से फिल करना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। तो ये देखिए सारा डिटेल यहाँ पे फिल करने के लिए आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल देखिए, बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, इसको कुछ नहीं भरना होता है, नेम बैंक अकाउंट का नाम, बैंक नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड आपको बैंक के ब्रांच से पता करना होता है, या फिर मैंने वीडियो बना रखी है स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, और ये सब में कुछ नहीं करना है, सेट प्राइमरी पर क्लिक करके देन आपको सेव करना होता है। तो ये होता है सारा प्रोसेस। सो गाइज मैंने आप लोगों को इस वीडियो पर सब कुछ दिखाया कि यहाँ पे पिन वेरीफाई कैसे करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है और कैसे वेरीफाई करता है, मैंने लाइव डेमो आप लोगों को दिखाया कि कैसे वेरीफाई करते हैं। तो गाइज उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, वीडियो पसंद भी आई है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो मनोज23 यूजर नेम में। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।